हेलो राइडर्स, कैसे हो आप दोस्तों। अगर आप एक स्पोर्ट बाइक परचेस करने का सोच रहे हो जो 2 लाख के आसपास में हो, जिसमें आपको बढ़िया लुक, पावर और फीचर्स देखने को मिले, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 2 लाख के आसपास में आने वाली टॉप 5 बेस्ट बाइक के बारे में, जो अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है। कुछ बाइक अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। वीडियो में हम सभी बाइक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं कि बाइक में आपको क्या कुछ फीचर देखने को मिलेगा, बाइक का प्राइस क्या होगा, बाइक का लुक कैसा होने वाला है, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को स्किप या मिस बिल्कुल मत करना। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं फोर। बात करेंगे सबसे पहली बाइक के बारे में, तो वह टीवीएस की अपाची आर 204V। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले इस बाइक के इंजन के बारे में, तो बाइक में आपको 197 सीसी का 4-stroke 4-valve ऑयल कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 20.54 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 17.25 Nm की। बाइक में आपको 5-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। ये बाइक आपको सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पे 30-35 KMPL का माइलेज आराम से देगी। अगर हम बाइक के फ्रंट लुक के बारे में बात करें, तो बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। और बाइक का जो लुक और डिजाइन हो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। बाइक काफी ज्यादा बल्की भी देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन सेटअप का अगर हम बात करें, तो बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। बाइक के अगर मीटर कंसोल के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ राइडिंग मोड, 1/1 टर्न नेविगेशन, गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसे फीचर्स। बाइक के अगर ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको डुअल चैनल ABS का फीचर देखने के लिए मिल जाता है। अगर इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें, तो ये बाइक आपको 1,70,000 के ऑनरोड प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी, जो कि वैल्यू फॉर मनी है। अगली बाइक के बारे में बात करें, तो वो है होंडा की CB300F, जो कि एक नेकेड स्पोर्ट कैटेगरी की बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है। सबसे पहले अगर हम बाइक के लुक के बारे में बात करें, तो बाइक का जो लुक है बहुत ज्यादा शानदार है। बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलते हैं और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बाइक के इंजन के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको 300cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve ऑयल कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 24.13 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 25.6 Nm की। बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। बाइक के अगर मीटर कंसोल के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ राइडिंग मोड, USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन हो। अगर हम बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें, तो ये बाइक आपको 2 लाख के ऑनरोड प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी, जो कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी के अंडर में आ जाता है। अगली बाइक के बारे में बात करें, तो वो यामाहा की MT-15। दोस्तों अगर आपको एक नेकेड स्पोर्ट में पावरफुल बाइक चाहिए, जो काफी ज्यादा पावर हो, इसमें माइलेज भी अच्छा है और लुक भी अच्छा हो, तो आप ये बाइक परचेज कर सकते हैं। बाइक के अगर फ्रंट लुक के बारे में बात करें, तो बाइक के फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर इंजन के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको 155cc का 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 18.1 BHP की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 14.1 Nm की। बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। बाइक के अगर ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको डुअल चैनल ABS का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। ये बाइक सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पे 40-45 KMPL का माइलेज आराम से दे देगी। बाइक के अगर मीटर कंसोल के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें, तो बाइक के फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक और रियर में मोनोक्रोस सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के टायर साइज के बारे में बात करें, तो बाइक के फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा और बाइक के रियर में आपको 140 सेक्शन का वाइड टायर देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन होगा। अगर उस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें, तो ये बाइक आपको 1,95,000 के ऑनरोड प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी। नंबर 4 वाली बाइक के बारे में बात करें, तो है बजाज की पल्सर N250। दोस्तों बजाज कंपनी ने इस बाइक में काफी सारे मेजर अपडेट किए हैं, जिसके कारण बाइक का लुक और डिजाइन काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। बाइक में आपको नए कलर, नए ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करें बाइक के फ्रंट लुक के बारे में, तो बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के मीटर कंसोल के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ 1/1 टर्न नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, स्टैंड अलार्म जैसे कई सारे फीचर्स। सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें, तो बाइक के फ्रंट में आपको गोल्डन कलर की USD फोक और बाइक के रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें बाइक के इंजन के बारे में, तो बाइक में आपको 249cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve ऑयल कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 24.1 BHP की, जो कि मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 21.5 Nm की। बाइक में आपको 5-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। ये बाइक आपको सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पे 30-35 KMPL का माइलेज आराम से दे देगी। बाइक के अगर ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। बाइक में आपको ABS में मोड भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बाइक के अगर टायर साइज के बारे में बात करें, तो बाइक के फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलता है और बाइक के रियर में आपको 140 सेक्शन का वाइड टायर देखने के लिए मिल जाता है। बाइक के अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें, तो ये बाइक
आपको 1,80,000 के ऑन रोड प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी। बात करें अगली बाइक के बारे में तो वो है बजाज की पल्सर NS200। दोस्तों बजाज कंपनी ने इस बाइक में काफी सारे मेजर अपडेट किए जिसके बाद बाइक का जो लुक है बहुत ही ज्यादा शानदार हो गया है। बात करें बाइक के फ्रंट लुक के बारे में तो बाइक के फ्रंट में आपको LED DRL के साथ LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने को मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन, गियर पोजीशन इंडिकेटर, USB चार्जिंग पोर्ट, स्टैंड अलार्म जैसे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। बाइक के अगर इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 199cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4-वोल्ट लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 24.13 BHP की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 18.74 Nm की। बाइक में आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। ये बाइक आपको सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर 30-35 KMPL का माइलेज आराम से देगी। सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको USD फोक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाता है। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा जो कि BS6 फेस 2 वाला इंजन होगा। अगर उस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 1,80,000 के ऑन रोड प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों आपको इन सभी बाइक में से कौन सी बाइक अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को